अच्छा, इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग की बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिकल जो मास स्पेक्ट्रम के आते हैं बेसिकली, उनमें हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें दी जाती हैं। हमारे पास एम एम दी जाता है, मतलब मॉलिकुलर आयन पीक दी जाती है, मॉलिकुलर आयन पीक +1 एंड मॉलिकुलर आयन पीक +2, ये हमारे पास तीन चीज़ें दी जाती होती हैं। अच्छा, मॉलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी हमेशा जो है वो 100% तक होनी चाहिए, सही है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एम +1 है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या कहते हैं इतनी परसेंट है, और उसका जो मास टू चार्ज रेशियो है वो इतना है, और एम +1 की इंटेंसिटी इतनी है उसका मास टू चार्ज रेशियो इतना है, और एम +2 की इंटेंसिटी इतनी है उसका मास टू चार्ज रेशियो इतना है, सही है। अगर हमारे पास मॉलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी 100% है तो हम डायरेक्टली अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास मॉलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी 100% नहीं है तो फिर हम उसको 100% बनाएंगे। हम क्या करेंगे, फॉर मेकिंग रिलेटिव इंटेंसिटी 100%, हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड कर देंगे गिवन रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक से, सही है। और इसको डिवाइड करने के बाद जो फैक्टर आएगा, सही है, उसको जो गिवन इंटेंसिटी होगी इन तीनों की, उससे अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास मॉलिकुलर आयन पीक की हमारे पास दी हुई है 92.5, सही है, और एम +1 की दी हुई है हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं 3.1%, और एम +2 दी हुई है क्या कहते हैं हमारे पास 4%, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मेरे पास 92.5% है, अभी 100% नहीं है। अब मैं इसको 100% बनाने के लिए क्या करूँगा, 100 को डिवाइड कर दूंगा 92.5 से, सही है, और जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, उस फैक्टर को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, और उस फैक्टर को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये तब होगा जब रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिकुलर आयन पीक 100% नहीं होगी। तो एक न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें 100% इंटेंसिटी नहीं दी होगी, तो फिर हमें इस तरीके जरिए उसकी इंटेंसिटी को जो है वो 100% बनाना होगा सिर्फ मॉलिकुलर आयन पीक की, और जब हम उसके लिए जो फैक्टर निकालेंगे उसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रूल है, सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी 100% होगी, तो उसमें हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने जब ये काम कर लिया तो हमारे पास अब ये पीक्स बताती क्या है, बेसिकली एम प्लस पीक बताती है कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, वो इवन फॉर्म में है या ऑड फॉर्म में है। अभी कैसे पता चलेगा कि वो इवन फॉर्म में या ऑड फॉर्म में है, वो बताएगा हमारे पास इस मॉलिकुलर आयन पीक का मास टू चार्ज रेशो, सही है। अगर हमारे पास मॉलिकुलर आयन पीक का मास टू चार्ज रेशो जो है वो इवन है, सही है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन भी जो है वो इवन नंबर में प्रेजेंट होंगे हमारे मॉलिक्यूल में, और अगर हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो ऑड है तो हमारे पास नाइट्रोजन भी जो है वो ऑड नंबर में प्रेजेंट होंगे। इवन का मतलब क्या है कि हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन होंगे, मतलब इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन सॉरी, और अगर हमारे पास ऑड है तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स जो है वो एम प्लस पीक बताती है, सही है। अब हम बात करेंगे एम प्लस वन पीक की, एम प्लस वन पीक जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताती है कि हमारे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस तरह से हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब हमारे पास जो भी एम प्लस वन की पीक है उसकी जो भी हमारे पास रिलेटिव इंटेंसिटी है, सही है, उसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं बेसिकली हमारे पास जो है वो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ कार्बन से, जो कि 1.1% के बराबर थी जो मैं पहले बता चुका हूँ, सही है। अच्छा, अब ये रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो 100% वाली भी हो सकती है, मतलब जो हमने कन्वर्ट किए पहले, या तो ये रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो अगर मॉलिकुलर आयन पीक हमारे पास 100% है तो हमने कोई कन्वर्जन नहीं की, तो हम डायरेक्टली इस मॉलिकुलर वन प्लस की पीक की जो रिलेटिव इंटेंसिटी है उसको 1.1% से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास मॉलिकुलर आयन पीक 100% नहीं थी तो हमने पहले इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, जब
हमने पहले फैक्टर से, पहले हम उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे, सही है। अच्छा जी, जब हमने उसको डिवाइड किया तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, चाहे वो पॉइंट्स में आ रहा है, अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, सही है। अगर पॉइंट के बाद 6 आ रहा है या पॉइंट के बाद 7 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, सही है। ये हमारे पास जो है उसका रूल होता है। अच्छा जी, देन वी हैव द एम प्लस टू पीक। एम प्लस टू पीक हमारे पास जो है वो प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप बताती है। क्या हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल में क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये हमारे पास एम प्लस टू की पीक बता रही होती है, सही है। अब क्लोरीन कब प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन कब प्रेजेंट होगा और सल्फर कब प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास मॉलिकुलर आयन पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो 33% के बराबर है, तो इसका मतलब क्लोरीन में भी प्रेजेंट इन अवर मॉलिक्यूल। और अगर हमारे पास जो है वो उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 50% के बराबर आ रही है, तो उसका मतलब ब्रोमीन में भी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और अगर हमारे पास वो 4% के बराबर है इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी M2+ की, तो उसका मतलब कि हमारे पास जो है वो सल्फर में भी प्रेजेंट, सही है। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो 33 के करीब करीब आ रही है, मतलब 30 की सीरीज़ में ही आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास 33% है और 32.8% है या 32.7% है या 32.5% है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है। या तो 50 के करीब करीब आ रही है, 49.6, 49.7, तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। और अगर 4 के करीब आ रही है तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब कि उसमें जो है वो क्या कहते हैं, सल्फर प्रेजेंट है, सही है। लेकिन अगर हमारे पास इन तीनों वैल्यूज से कोई वैल्यू मैच नहीं करी, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं, हमारे पास कोई आइसोटोप प्रेजेंट नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था कि हमारे पास कौन सी पीक क्या बताती है और हम उससे क्या कंक्लूड करते हैं।